दिल्ली में हवा के साथ पानी भी प्रदूषित, जहरीली झाग में लिपटी यमुना। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ अब यमुना का प्रदूषण भी बढ़ गया है। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर जहरीली सफेद झाग की परत बन गई है। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सर्दियों का मौसम आते ही हवा काफी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जब AQI को खराब श्रेणी के तहत चिन्हित किया जाता है तब लंबे समय तक रहने पर लोगों को सांस लेने की परेशानी हो सकती है, जबकि बहुत खराब श्रेणी के तहत लंबे समय तक रहने पर सांस संबंधी बीमारी भी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार कमी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन वायु प्रदूषण ने दिवाली से पहले ही सांस लेने पर मानो पाबंदी लगा दी हो। लगातार छठे दिन वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली के कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इसमें राहत मिलने के संकेत नहीं दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक WHO मानकों के हिसाब से सुबह के समय दिल्ली प्रदूषण का स्तर 10.5 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुंडक्का में 382, नरेला में 309, IP एक्सटेंशन में 316, LJC कॉलोनी में 305 और मुस्तफाबाद 293 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा दिल्ली के अधिकांश मौसम विज्ञान केंद्रों पर पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली की आबोहवा धीरे धीरे सांस लेने के लिहाज से जहरीली होती जा रही है। हालात ये है कि इन इलाकों में लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार, भवाना, बुराड़ी, द्वारका, जहांगीरपुरी, नरेला, रोहिणी और वजीरपुर का AQI रेड जोन में आ गया है। हालांकि अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। दिल्ली में ग्रैब वन लागू कर दिया गया है, साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी धूल मिट्टी को लेकर पाबंदी लगा दी गई है।